अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्राफ्ट विद हुमैरा उस्मान। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं फिर आपको न्यू स्टाइल के बटन्स बताऊंगी। इंशाल्लाह ये मुकम्मल वीडियो देखने के बाद आप ये बटन बनाना सीख जाएंगी। इसके लिए जिन जिन मटेरियल की ज़रूरत है वो ये हैं। आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि इन बटन में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैंने 12 मोती लिए और उसको मैंने ऐसे धागे में पिरो के गिरा लगा दी। नॉट लगानी है ज़रा थोड़ी सी मज़बूत, क्योंकि ये धागा जो है ये भी काफ़ी मज़बूत होता है। जब भी आप मोतियों का काम करें तो धागा मज़बूत वाला लेना है, जैसे सूत्र का धागा होता है। और वैसे भी बाज़ार में जब आप किसी दुकानदार से कहेंगे कि हमें मोतियों के काम के लिए धागा चाहिए, तो इनका एक अलग से धागा होता है, वो आपको मज़बूत धागा दे देंगे। क्योंकि आम रील से अगर आपने ये बनाने की कोशिश की तो आधे में ही आपका धागा टूट जाएगा और जो मोती है या ज्वेलरी है, जो भी आप बना रहे हो, तो वो ख़राब हो सकती है। तो इसके लिए आपने मज़बूत धागा लेना है। और इस तरह जब मैंने गिरा लगा ली और उसके बाद इसे काट दिया। अब ये 12 मोती हैं, इनमें से जो पहला पहले होगा वहाँ मैंने एक मोती डाला और दो मोतियों के अंदर से सुई गुजार दी। आप देखें, एक मोती लेके दो मोतियों के अंदर से सुई गुजारनी है। यूँ जब दो मोतियों के अंदर से सुई गुजर गई तो फिर एक मोती लेके और नेक्स्ट फिर दो मोतियों के अंदर से ऐसे सुई गुजार देनी है। ये मोती है और मैं इसे फिर दो मोतियों के अंदर से गुजार दूंगी सुई को। ये देखें, मैंने इस तरह गुजार दिया। ये इस तरह दो मोतियों के अंदर से गुजार दिया। तो ये 12 मोतियां हैं, तो दो दो करके अगर मैं गुजारूंगी तो ये 6 मोती मज़ीद इसके ऊपर आ जाएंगे। देखिए, 6 मोतियों की जगह बनेगी। ये 3 बन गए, 3 में मज़ीद डाल के आपको दिखाती हूँ। तो ये हो गए 6 मोती ऊपर से। अभी जो ये मोती है इसके बिल्कुल सर से मैंने यूँ सुई करके गुजारी है ऐसे, और इसके बीच में अभी मैं एक एक मोती डालूँगी। इस जगह पे खाली आपने अपना जो एक हाथ है उसको मज़बूती से इनको पकड़े रहना है, ताकि अगर ये ढीले ढीले लगेंगे तो फिर अच्छे नहीं लगेंगे। लेकिन इस तरह अगर आप अपने अंगूठे की मदद से मज़बूती से पकड़े रखेंगे इनके ऊपर हाथ यूँ, तो ऐसे करके फिर आपको जो अगला मोती डालने में आसानी रहेगी और बटन भी ज़रा सही मज़बूती से बनेगा। ये देखें, ये इनके सर से गुजारना है एक एक काला मोती डालने के बाद इस तरह से। ये भी 6 मोती डालेंगे और उसके बाद जो है हर मोती के ऊपर से मैंने 5-5 मोती छोटे लिए गोल्डन, वो इनके ऊपर से गुजारे। और गुजारने का तरीका ये है कि जो मोटे मोती हैं काले, उनके दरमियान में ये जो मोती हैं इनमें से मैंने सुई गुजारनी है। ये इधर से मैंने 5 मोती लिए गोल्डन और साइड से मैंने यूँ गुजार लिए। तो ये 6 मोतियों के ऊपर मैंने यूँ सर्कल दे दिया। अभी ये देखें, जब 5-5 मोती डाले तब भी इनके हाफ हाफ पे जो सर पे मोती आ रहा है उधर से मैंने सुई गुजार के अब यहाँ पे मोटा मोती ये वाला मैंने रख दिया। और कोशिश ये करनी है कि एक गोल्डन और एक ब्लैक और फिर एक गोल्डन मोती इस तरह करके डालना है। आप एक बार से फिर देखें, मैंने इस तरह एक गोल्डन ब्लैक और गोल्डन मोती लेके वो सिरे से मैंने ये निकाल दिया और ये सारे 6 के 6 मोती इसी तरह लगाने हैं। तो ये सारे मैंने लगा लिए 6 मोती। ये देखें, अब इन मोतियों के बीच वाली जगह है, जैसे ही मोती मैंने बंद किया, अब देखें यहाँ पे मोती बंद हो के मैं दूसरी तरफ जा रही हूँ, दूसरे मोती की साइड पर देखें यहाँ से मैं गई हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 मोती डाल के ब्लैक के साथ वाला जो गोल्डन है उसके में से गुजार देना है। ये देखें, यहाँ से गुजारा और 3 गोल्डन मोती मैंने लेके फिर ब्लैक के साथ वाला जो मोती होगा छोटा गोल्डन उसके में से गुजर जाना है। ये देखें,
यहाँ में से मैंने सुई गुजार देनी है, यूँ तीन मोती लेके इस तरह गोल्डन ब्लैक और गोल्डन इन मोतियों के बीच में से सुई गुजार दी। ये देखिए तो यहाँ से नोक सी बन गई। तो सेम इसी तरह मैं आगे भी तीन मोती लेके इसी तरह करते करते ये मैंने छः की छः जगहों पे कर दिया। अब यहाँ पे एक टांके से मजबूती से लेने के बाद मैं नीचे के रुख पे आऊँगी और यहाँ पे मैंने एक मोटा गोल्डन मोती लगाना है। यहाँ पे गोल्डन मोती मोटा लगेगा, ये देखिए अभी यहाँ से मैं लगाती हूँ। यहाँ पे ये मोटा गोल्डन मोती लगाने के बाद मैं नीचे की तरफ बटन टिच लगाऊंगी। इसको भी दो टांकों से लेके मजबूत कर लेना। इसके दोबारा अंदर से गुजारने के बाद, ये अंदर से गुजारने के बाद दूसरी तरफ से टांका लेके और मैंने सुई, ये देखिए मोतियों के अंदर से गुजारें तो काफ़ी ये मज़बूत रह जाता है। तो अभी मैंने पीछे टिच बटन लगाना है, तो इसको नीचे लेगी और यहाँ पे बटन लगा देना है। यहाँ पे टिच बटन का ये तरीका है कि टिच बटन में चार सुराख होते हैं छोटे छोटे से, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग मैंने मोती भी जो हैं ये इधर से टांका लेके चारों मोतियों से अलग अलग सिमतों में टांके ले लेने। चार टांके लेने के बाद ये बिल्कुल जो है मज़बूत हो जाएगा मोतियों के अंदर से। सुई लेके इन्हीं हॉल में से गुजार देनी है। ये यहाँ पे मज़बूत हो गया, यहाँ पे भी मैं लगा देती हूँ गिरा और मज़बूत हो गया। ये गिरा लगाने के बाद ये देखें मेरे मोती मुकम्मल, मोतियों वाले बटन तैयार हो गए। आपको ये मेरा काम कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स के साथ साथ मुझे सब्सक्राइब भी करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।